हमारे MCU फैंस बहुत ज्यादा हैं, फिर चाहे वो आयरन मैन के फैंस हो, स्पाइडी फैंस हो या फिर हो कैप्टन के फैंस। तो अगर तुम भी MCU में किसी सुपर हीरो के फैन AC कूलर हो, देन तुम्हारे लिए ये ईयरबड्स परफेक्ट हैं। ये ईयरबड्स MCU के पर्टिकुलर हीरोज की थीम्स पर बेस्ड हैं। लाइक मान लो तुम्हें स्पाइडरमैन पसंद है, देन ये वाली ईयरबड्स पर्टिकुलरली उसी की थीम पर बनाई गई है। इनके केस के साइड में स्पाइडी का वेब ऐसे ग्लो करता रहता है जो देखने में बहुत कूल लगता है। ईयरबड्स और साउंड क्वालिटी तो अभी किनारे करो, लुक सीन के इतने तगड़े हैं। ईयरबड्स के बैक में टच कंट्रोल का भी फीचर है, लाइक उस पर टच एंड टैप करके तुम सॉन्ग्स को प्ले एंड पॉज वगैरह भी कर सकते हो। एंड 10 mm के ड्राइवर्स हैं, सो या बेस में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल थंपी बेस है इनका। सो आई कैन टोटली से दैट दीज आर दी बेस्ट ईयरबड्स फॉर एनी MCU फैन आउट देयर। आप अपना फेवरेट सुपर हीरो नीचे मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ फटाक से। पापा की परी की स्कूटी हो या फिर स्पोर्ट्स बाइक या नॉर्मल बाइक या फिर कार हो, किसी भी गाड़ी में तुम ये कूल स्ट्रोब लाइट्स लगाकर कुछ ऐसा तगड़ा लुक दे सकते हो इन्हें। ये स्ट्रोब लाइट्स डिफरेंट पैटर्न्स में ग्लो करती हैं एंड मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल भी हैं। एंड सबसे अच्छी बात इसमें पता क्या रहेगी, वो ये कि ये लाइट्स यूनिवर्सल रहती हैं, तो ये सारी गाड़ियों में लग जाएंगी। कोई भी गाड़ी हो, उसका कोई भी मॉडल हो, ये ऑर्डिनरी LEDs से बहुत ही ज्यादा ब्राइट होती हैं एंड नियॉन इफेक्ट के साथ ग्लो करती हैं। एंड इन्हें आप अपनी USB केबल से डायरेक्टली चार्ज भी कर सकते हो। सो जाहिर सी बात है, इन्हें बाइक या कार किसी में भी लगाओगे तो कोई वायरिंग वगैरह का भी झंझट नहीं रहेगा, बस डायरेक्ट आपको इन्हें उसमें लगा देना है एंड जब मन करे हटा लेना है। वहीं ये पर्टिकुलर स्ट्रिप्स केवल कार के लिए हैं। देखो बाइक में लग जाएंगी ये, बट मैं खुद इन्हें एक बार लगाकर ट्राई कर चुका हूँ अपनी बाइक में, तो इन्हें मैं आपको बाइक पे लगाने की एडवाइस कतई नहीं दूंगा, ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं लगती। ऑल्दो कार में बहुत ही नेक्स्ट लेवल लुक रहता है इनका। कार में इन्हें फ्रंट में लगा सकते हो तुम एंड ब्लैक SUVs में तो ये परफेक्ट लगेगी। बहुत से लोग इन्हें एज अ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन की तरह लगवाते भी हैं एंड ये काफी बजट फ्रेंडली रहती हैं। लाइक 500 रुपए के अराउंड ये तुम्हें इजिली मिल जाएंगी। ऑल्दो इन्हें लगवाने के लिए तुमको किसी मैकेनिक की हेल्प तो चाहिए ही होगी। अब मारियो एंड कॉन्ट्रा जैसे गेम्स हमारे चाइल्डहुड का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, तो खेलने को तो उन्हें तुम अपने स्मार्टफोन पर खेल ही सकते हो ऑब्वियसली, बट यार रेट्रो गेमिंग कॉन्सोल्स जिनमें उन्हें हम एक्चुअल में खेला करते थे जब छोटे थे, तो उनकी तो बात ही अलग है। एंड ये मिनी गेमिंग कॉन्सोल कुछ ऐसा ही है, ऊपर साइड एक बिग डिस्प्ले है इसमें, पिक्चर क्वालिटी जिसकी बहुत शार्प है, बहुत वाइब्रेंट है एंड नीचे रहती है इसमें बटन्स। सारे विंटेज गेम्स आप इसमें टोटली खेल सकते हो, लाइक कॉन्ट्रा, एडवेंचर आइलैंड, मारियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा इसे तुम डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट कर पाओगे एंड और भी मस्त मस्त गेम्स डाउनलोड भी कर सकते हो। तो एक तरह से ये कंसोल विंटेज गेमिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्लेंड है एंड पॉकेट साइज्ड रहता है, सो इसे तुम इजीली कैरी भी कर पाओगे अपने साथ। एनीमे पसंद है? आरा आरा, तो तुम्हारे स्मार्टफोन के लिए ये वाला फोन केस बेस्ट है, पीरियड। इस फोन केस में LED बैकलाइट्स इंटीग्रेटेड ही रहती हैं एंड कोई ना कोई फेमस एनीमे कैरेक्टर इनमें बना ही रहता है। फोन के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पीछे साइड ये फोन केस ग्लास का है, सो लाइक अगर स्मार्टफोन गिरता है तो इसका ग्लास टूट सकता है, बट फोन पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा पीछे से भी एंड साइड से भी। ऑल्दो एक चीज में ऐसी है जो कुछ लोगों को उतनी पसंद नहीं आएगी एंड वो ये है कि इसे लगाने के बाद फोन में लाइक एक बल्की सा लुक आ जाता है, बट पर्सनली मेरे लिए ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सो इट्स टोटली फाइन। ये रहा एक यूजफुल एंड कन्वीनियंट गैजेट आलसी लोगों के लिए, मतलब अगर तुम्हें ट्यूब से पेस्ट निकालने में भी आलस आता है, देन दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। ये एक ऑटोमेटिक टूथपेस्ट डिस्पेंसर है जिसमें जब तुम टूथब्रश इंसर्ट करोगे तो ये अपने आप ही टूथपेस्ट उसमें लगा देगा, डिस्पेंस कर देगा एंड वो भी परफेक्ट अमाउंट में। इसे वॉल पर लगाना भी बेहद ईजी है, यू जस्ट हैव टू स्टिक इट ऑन दिस टेप थिंगी एंड इसके नीचे तुम अपने टूथब्रशेस प्लेस कर सकते हो, मतलब साइड में इसके, एंड ऊपर साइड टूथपेस्ट ट्यूब को इंसर्ट कर दो एंड ये राइट अमाउंट में पेस्ट को ब्रश पर डिस्पेंस करता रहेगा। और ये बैटरी बेस्ड है तो डायरेक्ट इसकी केबल से ही चार्ज भी हो जाएगा और इसकी केबल तुम्हें इसके साथ ही मिल जाएगी। ये लाइट्स तुम अपने गेमिंग सेटअप के साथ लगा सकते हो, बहुत कूल लगेंगी। बेसिकली ये नियॉन स्ट्रिप लाइट्स स्मार्ट हैं, तो तुम इन्हें डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके इनके कलर्स एंड एनिमेशंस वगैरह को चेंज कर सकते हो। एंड इनमें एक चीज काफी सही है, वो ये कि इनके शेप को जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो तुम, और जब एक शेप से बोर हो जाओ, लाइक एक शेप को देख देख के पक जाओ, तो इनका शेप बदल के कुछ और बना लो। अपनी TV या PC के आसपास तुम इसे लगा सकते हो, उस स्पेस को जहां भी तुम इसे लगाओगे वहां ये बहुत ही ऑसम लुक दे देगी। और 411 रुपए के अराउंड ये तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी इजिली।
ये हैं RGB bars जो साउंड पर म्यूजिक की बीट्स पर रिएक्ट करती हैं। मतलब एक तो नॉर्मल वाली RGB bars आती हैं जो ऐसे ही बोरिंग वे में ग्लो करती रहती हैं, बट ये स्मार्ट हैं। इनके आसपास जैसे ही कोई म्यूजिक बजाओगे तुम तो ये उस पर रिएक्ट करने लगेगी। इसकी लाइट्स जो हैं वो म्यूजिक की बीट्स पर फ्लैश करेंगी उसके साथ सिंक होकर। ऐप कंट्रोल्ड हैं ये, सो डायरेक्टली इन्हें तुम अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर पाओगे। एंड थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हैं तो लाइक छोटे स्पेस में भी इन्हें ईजिली रखा जा सकता है। तो बेसिकली इसके पहले वाली नियॉन स्ट्रिप एंड इन साउंड रिएक्टिव RGB बार से तुम अपने PC डेस्क या गेमिंग सेटअप के लुक्स को इजीली, बहुत इजीली नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। अब ये अम्ब्रेला जैसा दिखने वाला गैजेट है तो अम्ब्रेला ही, बट किसी इंसान के लिए नहीं है बल्कि उस इंसान की कार के लिए है। कार पार्क करने के बाद फ्रंट से यानी विंडशील्ड से होकर जो धूप आती है अंदर, वो ड्राइवर एंड उसके बगल वाली सीट और बाकी के इंटीरियर को इतना गर्म कर देती है कि सीट पर जब बैठो वापस से तो लगता है गर्म तवे पर पिछवाड़ा रख दिया किसी ने। ऐसे में यू जस्ट हैव टू पुट दिस सनशेड ओवर योर विंडशील्ड। वेल एक्चुअली इट्स नॉट ओवर विंडशील्ड, इट्स अंडर विंडशील्ड, तो ये धूप नहीं लगने देगा जिससे कार का इंटीरियर उतना गर्म नहीं हो पाएगा। एंड जब ड्राइव करने लगो तो सिंपली इसे हटाकर फोल्ड कर लो एंड पार्क करते टाइम अगेन इसे लगा दो। तो कार ओनर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल गैजेट रहेगा ये। अब नॉर्मली किसी बोल को जब ढकना होता है तो हम किचन में जाकर कोई प्लेट ढूंढते हैं, बट उससे बेटर ऑप्शन है ये सिलिकॉन लिड जो न केवल बोल को ढक सकती है बल्कि उसे काफ़ी हद तक एयर टाइट भी कर देगी जिससे मॉइस्चर अंदर नहीं जा पाएगा एंड खाना काफ़ी टाइम के लिए फ्रेश बना रहेगा, खाना हो या फिर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी हो। अब ये लिड सिलिकॉन की है, दैट डजंट मीन कि इसे तुम ओवन के अंदर नहीं रख सकते या हीट की वजह से ये मेल्ट कर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली यूज़ की जा सकती है ओवन में एंड हीट को भी इजिली बियर कर सकती है, यानी किचन में यूज करने के लिए इट्स परफेक्ट। अब सोचो तुम मस्त तैयार होके बर्थडे में केक खाने जा रहे हो, नए नए शूज पहनकर, लेकिन बारिश के पानी और कीचड़ से रास्ते में ही शूज जीन्स खराब हो जाए तो मुंह बन जाएगा ना। वेल ये चीज़ बहुत बार हुई होगी किसी के साथ, इसीलिए उसने खिसिया कर ये वाटरप्रूफ शू कवर्स बना दिए। ये शूज़ के साथ साथ जीन्स के नीस के नीचे तक के पार्ट को कवर्ड रखते हैं सो दैट पानी या कीचड़ लगेगा भी तो इनमें लगेगा, अंदर तुम्हारे क्लोथ्स सेफ रहेंगे तो तुम बारिश में बिना छींटे पड़ने और कपड़े गंदे होने की टेंशन के मस्त अपनी स्कूटी या बाइक पर फर्राटे से घूम सकते हो। और दोस्तों ये है एक ट्रिकी ट्रिक बटरफ्लाई नाइफ, नाइफ है बट इसका यूज कटिंग के लिए नहीं होता बल्कि यूं किसी निंजा की तरह से इसे स्पिन कर सकते हो तुम। मतलब बटरफ्लाई नाइफ होती ही इसीलिए है ताकि इसे ऐसे स्पिन किया जा सके। करने के लिए इसमें ऐसी काफी सारी कूल ट्रिक्स हैं एंड उन्हें मास्टर करने के लिए तुमको प्रैक्टिस तो मांगता है वीडू, लेकिन फिकर नॉट, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स तुम्हें यहीं यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। तो खाली टाइम में मस्त टाइम पास एंड एंटरटेनमेंट के लिए ये काफी तगड़ा गैजेट है। एंड अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सा गैजेट तुम्हें सबसे दांसू लगा एंड साथ ही वीडियो को लाइक एंड सब जरूर से कर देना चैनल को, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो टेक केयर गाइज, मजे करो, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।